Smart Sound. गांधीनगर पब्लिक स्कूल में स्वामी विवेकानंद की जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में विश्व संवाद केंद्र द्वारा मनाई गई। मां शारदे की वंदना के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। अतिथियों द्वारा स्वामी विवेकानंद और भारत माता के चित्र के सम्मुख दीप प्रज्वलन और पुष्पार्चन किया गया। लोकसभा टीवी के वरिष्ठ पत्रकार रामवीर सिंह ने चरित्र निर्माण पर विशेष ध्यान देने की बात कही। उन्होंने अपना परिवार 25 साल की उम्र में ही छोड़कर संन्यास ले लिया था। माना जाता है कि वो बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि और नटखट थे। तो वहीं सांसद सर्वेश सिंह ने कहा कि आज के युवा स्वामी विवेकानंद के जीवन से प्रेरणा लें और उन्होंने उनके जीवन पर प्रकाश डाला। जिलाधिकारी राकेश सिंह ने लोगों को धर्म से बढ़कर कर्म करने की सलाह दी और बताया कि स्वामी विवेकानंद बड़े सपने देखने वाले थे। उन्होंने एक ऐसे समाज की कल्पना की थी जिसमें धर्म या जाति के आधार पर मनुष्य मनुष्य में कोई भेद न रहे। उन्होंने वेदांत के सिद्धांतों को इसी रूप में रखा। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए RSS के विभाग प्रचार प्रमुख पवन जैन ने कहा कि स्वामी विवेकानंद के जीवन हमने ये सीखा है कि हम समाज के लिए अवश्य कुछ करें। इस अवसर पर मैं इस परिसर में उपस्थित सभी से आह्वान करता हूं कि समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करने में हमारी क्या भूमिका हो सकती है, इस पर चिंतन करें। स्वामी जी की जयंती मनाने का उद्देश्य तभी पूरा होगा जब हम यहां से कुछ संकल्प लेकर जाएं। स्मार्ट साउंड। स्वामी विवेकानंद जी एक ऐसा नाम है जो इस देश के सभी नागरिकों को कोई अपरिचित नहीं है। 1863 में कोलकाता, जो वर्तमान में कोलकाता के नाम से जाना जाता है, उस समय कलकत्ता था, वहां पर आपका जन्म हुआ और बचपन का नाम उनका जो सांसारिक नाम था वो नरेंद्र नाथ दत्त था। जिस दिन जन्म हुआ था उस दिन मकर संक्रांति का दिन था, तिथि 12 जनवरी थी। हमारे यहाँ कुछ ऐसी तिथियां हैं जो तिथि और अंग्रेजी तारीख और जो हमारा ऐसा व्यक्ति जो पूरी दुनिया में छा गया और पूरी दुनिया में हिंदुत्व को पहुंचाने वाला, सभी लोग जानते हैं बहुत विकट परिस्थितियों में किस प्रकार से शिकागो, जो पूरे विश्व का धर्म सम्मेलन था, हर उसको उसमें समय दिया गया था लेकिन हिंदू के नाते उनको समय नहीं दिया जा रहा था। बड़ी विकट परिस्थितियों में, बहुत लंबी घटना हो जाएगी, कितने प्रयासों से वहां पर उनको बोलने के लिए मात्र 2 मिनट का समय दिया गया था लेकिन उन्होंने अपना उद्घोषण ब्रदर एंड सिस्टर्स के रूप में जब किया तो 2 मिनट से ज्यादा समय तक तालियां बजती रहीं शिकागो के अंदर। इस प्रकार का ये उद्घोषण किसी ने सुना नहीं था। बड़ा सबको ऐसा प्रतीत हुआ, बड़ा इन्हीं, चूंकि भारतीय संस्कृति है, हिंदू संस्कृति है, तो इतने लंबे उसके बाद में वहां पर सब लोग भूल गए और उनको सुनने की इच्छा थी तो 9-10 मिनट तक उनको बोलने का अवसर प्राप्त हुआ। साहित्यिक कार्य में राजयोग, कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग, सब उन्होंने हर उस पर काम किया, लिखा और समाज को एक दिशा दी। बहुत कम लोग जानते होंगे कि वह पत्रकार भी थे। प्रबुद्ध भारत का उन्होंने संपादन किया, मासिक पत्रिका जो कलकत्ता से निकलती थी, उस समय बेलूर पश्चिम बंगाल में एक जगह है। उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए, ये उनका संदेश बहुत ज्यादा प्रचारित है। हमारी क्या इसमें कोई हमारी भूमिका हो सकती है? ये आज हम इसमें कुछ ऐसा संकल्प कर सकते हैं, मेरा सभी से कि हम संकल्प कर सकते हैं, क्या हम हेलमेट लगाएंगे, हम सीट बेल्ट लगाएंगे,
आदरणीय सांसद जी, आदरणीय एमएससी शास्त्री जी और माननीय श्री पवन जैन जी, माननीय श्री हरिमोहन जी और मंजा सिंह हमारे सम्माननीय अन्य अतिथिगण, यहाँ पर उपस्थित सभी सम्माननीय नागरिकगण और सम्माननीय मीडिया से जुड़े हुए सभी बंधु, आज हम अपने आध्यात्मिक गुरु माननीय विवेकानंद जी की जन्म शताब्दी समारोह में यहाँ पे उपस्थित हुए हैं और हम सभी जानते हैं कि अगर किसी आध्यात्मिक गुरु ने पहली बार विदेशों में भारत का आध्यात्मिक तौर पर नाम ऊंचा किया है तो केवल विवेकानंद जी ने, संभवतः विवेकानंद से पहले आध्यात्मिक भाषण के लिए शायद ही कोई विदेश यात्रा पर होगी, अमेरिका जा करके वहाँ पे जो है भारत को इतनी बुलंदियों पे नाम दिलाया हो। जब भी कोई मनुष्य धरती पर पैदा होता है तो निश्चित रूप से उसके कुछ न कुछ कर्तव्य उसी दिन से इस धरती के लिए निर्धारित हो जाते हैं। बहुत सारे लोग अपने विभिन्न क्रियाकलापों के माध्यम से बहुत सारी चीजें करते हैं और मनुष्यों ने एक ऐसी व्यवस्था यहाँ पे धरती पे बना रखी है कि जिसमें अगर आप देखें तो सभी के विकास का बड़ा महत्वपूर्ण अवसर और समान अवसर एक तरह से उपलब्ध है। संविधान भी हमारा जो है वो सभी के लिए समान अवसर उपलब्ध कराता है और ऐसा इसलिए किया गया है कि ताकि हर आदमी इस धरती पर अपना कुछ न कुछ योगदान दे सके। अगर आप देखें तो चाहे हमारे माननीय जनप्रतिनिधिगण हैं जिनका काम सबसे ज्यादा कठिन होता है, हर 5 साल पर उनको चुनाव लड़ना है, जनता को सेवा करनी है, उनके काम का मूल्यांकन हर 5 साल पे होता है। प्रशासनिक अधिकारी हैं वो अपनी एंट्री जरूर हर साल लिखते हैं लेकिन एक बार प्रशासनिक सेवा में आने के बाद कुछ जटिल परिस्थितियों में ही भले उन्हें बाहर जाना पड़े अदरवाइज वो भी किसी न किसी रूप में अपना समाज की सेवा करते रहते हैं। न्यायिक अधिकारी हैं वो किसी न किसी रूप में समाज की सेवा करते रहते हैं। किसान हैं वो राष्ट्र के लिए कुछ न कुछ कर रहे हैं, कोई भी चीज पैदा कर रहे हैं तो राष्ट्र के लिए पैदा कर रहे हैं, अपने लिए तो कर ही रहे हैं साथ ही राष्ट्र में भी उसका जो है योगदान है। इसी तरह से पत्रकार बंधु हैं तो वो जितने भी समाज के क्रियाकलाप हैं उनको जनता के सामने कैसे उसकी तस्वीर पेश करनी है ये पेश करते हैं। साहित्यिक लोग जो है वो साहित्य के माध्यम से लोगों को जागृत करते हैं, लोगों को बताते हैं कि आपको इस धरती पर आए हो तो आपको इस तरह से व्यवहार करना चाहिए, आपको इस तरह से व्यवहार करना चाहिए। लेकिन ये जितनी भी संस्थाएं हैं अगर आप इनको एक रूप में देखें और इनका निचोड़ देखें तो हम लोग सभी लोग किसी ना किसी रूप में एक दूसरे की सहायता करने के लिए सारे क्रियाकलाप होते हैं और धरती पर कैसे मानवता को सुख और समृद्धि मिले इसके लिए हम लोग जो है वो यहाँ पे धरती पे हैं अगर देखा जाए तो। क्योंकि अगर धरती नहीं रहेगी तो मानव जीवन नहीं रहेगा और जब मानव जीवन नहीं रहेगा तो पूरी सभ्यता समाप्त हो जाएगी। तो निस्संदेह अभी पवन जैन जी ने बताया कि विवेकानंद जी ने, मैं तो वहां भी गया हूँ जहाँ से विवेकानंद जी ने प्रस्थान किया था कन्याकुमारी, अगर कोई आप में बहुत सारे लोग गए होंगे घूमे होंगे वहाँ विवेकानंद राफ है जहाँ से उन्होंने जो है प्रस्थान किया था यूएस के लिए और वो एक बहुत ही मतलब कितनी आज हम हवाई जहाज से अमेरिका जाने में हमें पसीने छूटते हैं, अगर आप देखें तो 17 घंटे की फ्लाइट है। आप कल्पना करिए कि कितना पहले आज के 200 साल पहले कैसे कोई व्यक्ति पानी की जहाज से जा करके और वहां पे इतना जो है एनर्जेटिक तरीके से जो है भाषण किया होगा उसकी कल्पना मतलब आज के युग में संभव नहीं है। जब हम हवाई जहाज से जाते हैं हमें 17 घंटे लग जाते हैं, लोग थक जाते हैं, 2 दिन जा करके वहां सोते हैं, ऐसी कठिन परिस्थिति में जा करके और आध्यात्मिक स्पीच से पूरी दुनिया को अपनी ओर आकर्षित करने वाला व्यक्तित्व, इतना कोई साधारण व्यक्तित्व नहीं रहा होगा, निसंदेह बहुत ही असाधारण व्यक्तित्व रहा होगा। और हम लोगों को उनके जन्मशती के अवसर पर एक संकल्प लेना चाहिए कि हम ठीक है, हर आदमी हर व्यक्ति विवेकानंद नहीं बन सकता,
लेकिन जो उनकी शिक्षाएं हैं, जो उनके आदर्श हैं, जो उनके नैतिक मूल्य थे, उनको कुछ ना कुछ हम लोग जरूर अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें। तो उनके जन्म शती पर हम लोग आए हैं कि उनके लिए सच्ची उनके लिए एक सच्चा जो है वो होगा, एक तरह से श्रद्धांजलि होगी उनके उस पर। और मैं ये समझता हूँ आज हमारे समाज में अगर आप देखें तो अधिकारों की बात, सभी लोग अपने अधिकारों की बात करते हैं कि हमें सरकार से ये नहीं मिल रहा, हमें समाज से ये नहीं मिल रहा है, लेकिन कोई भी व्यक्ति, कोई भी नागरिक, बहुत कम ऐसे नागरिक होंगे जो ये सोचते होंगे कि हमें जो है अधिकार के साथ साथ हमारे कुछ कर्तव्य भी हैं। हमारे मुख्यकर्ता श्री रघुवीर जी हमारे वैसे मैं दो बार विद्यालय में आया हूँ, मगर स्वामी जी के इस कार्यक्रम में मुझे उन्होंने आमंत्रित किया, मैं स्वामी जी का बहुत बहुत आभारी हूँ। जो अभी हमारे स्वामी जी ने कहा था कि बहुत कम उम्र में कई सर से लेकर अध्यम था, किंतु उम्र में देश में नाम किया, नाम नहीं देश ही नहीं पूरे संसार में स्वामी विवेकानंद जी जो किया वो सभी जानते हैं। अमेरिका में जो उन्होंने कहा उससे भी सरकारी बात की प्रसिद्ध है। मेरे तो आज प्रथम बार विद्यालय माने कई जो मेरे वो सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जो भवन जी ने कहा है कि कोई ना कोई निर्णय ले, मैं भी एक निर्णय लूंगा कोई ना कोई, और मैं अपनी ओर से चाहता हूँ जब पहली बार मैं किसी कार्यक्रम में आया हूँ, पहली बार विद्यालय में, तो मैं अपनी ओर से कुछ भी जो चाहे थे था तो मैं जरूर तैयार हूँ। आप मुझे बता दें 5,000 से लेकर 10,00,000 तक जो आप मुझे चाहिए मैं कहीं दूसरे पास ले लूँगा। मेरी इच्छा है कि मैं इस समय आया हूँ तो मैं दोनों विद्यालय को देने के इच्छुक हूँ। धन्यवाद। मैं थोड़ा सा निवेदन करना चाहूंगा, विद्यालय को तो किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, सेवा भारती का विद्यालय है आरएसएस का। माननीय सांसद जी के पीछे भी कथा हुई थी, घोषणा की थी, उसमें ये घोषणा सांसद ये घोषणा कर दे तो उनका मैं धन्यवाद। जो खुशी इस समय एक बार में आदरणीय अशोक सिंह मंत्री ने आपको दी है, सभी लोगों रोजाना दिखता हूँ इसलिए छपने में भी कोई दिलचस्पी नहीं है। इसके बावजूद मैं देश भर में जहां जहां बुलाया जाता हूँ और अपनी बात रखता हूँ, और जिन लोगों के बीच में बात रखता हूं उन लोगों से अपेक्षा भी रखता हूं। जो मैं बोल रहा हूं वो मैं बोलने के लिए आया हूं, और वो बातें मेरे मन की थी, मेरे मन की भी है, मेरी बुद्धि की भी है, और मेरी आत्मा ने भी उनको कंसीव किया है। खैर, आज बदलाव का पर्व है और बदलाव में बहुत जगह पर परिवर्तन, बहुत जगह अपेक्षा होती है। हम अपने से शुरू कर सकते हैं, अपने स्वभाव से शुरू कर सकते हैं। लोग रेजोल्यूशन लेते हैं नए साल में, वास्तव में तो रेजोल्यूशन लेने का ये दिन है। आज हमें कोई संकल्प लेना होता है। आज प्रकृति में भी बदलाव आ जाता है ऐसा भी कहा गया है। विवेकानंद की जयंती है। जब हम सही और गलत के बीच में फर्क करना सीख जाते हैं और उस फर्क को तर्क की कसौटी पर कसना भी सीख जाते हैं, तो ये विवेक जब पैदा होता है तो इससे आनंद आता है, और जब आनंद आता है तो व्यक्ति व्यक्ति विवेकानंद होता है। और इस फर्क को सीखना ये बहुत जरूरी है। एक होता है शारीरिक, क्या बोलते हैं उसको, फिजिकल परफेक्शन,
हम शारीरिक रूप से दुरुस्त हैं। एक होता है दिमागी कसरत। इस देश में क्या हुआ है कि आप फिजिकली परफेक्ट हैं, इसके लिए तो आप योगा कर रहे हैं, आप बहुत कुछ आपको दिया जा रहा है, सिखाया जा रहा है, लेकिन मेंटली आप परफेक्ट है कि नहीं है इसको लेकर ना तो कहीं से वो सारे उपाय बंद हो गए हैं, शास्त्रार्थ बंद हो गए हैं। देश में एक बड़ी परंपरा थी, आज उस तरह का ग्रुप डिस्कशन नहीं होता है। भगवान कृष्ण ने तो गीता में ये कहा, उन्होंने यज्ञ कहा, यज्ञ कौन सा यज्ञ बड़ा है, तो वो कहते हैं यज्ञों व ज्ञान यज्ञों, यज्ञों में ज्ञान यज्ञ सबसे बड़ा है। ज्ञान यज्ञ कैसे होता है, सही और गलत के बीच में फर्क करना, या किसी भी समस्या को सामने रख करके उस समस्या पर एक एक तरह से विचार विमर्श करना और उसके निष्कर्ष पर पहुंचना कि समाधान क्या है। ये अपनी अपने विचारों की आहुति डालकर उस यज्ञ को पूर्ण करना, ये ज्ञान यज्ञ हो जाता है। आप ट्रेन के कुत्ते में बैठे हैं तो भी ज्ञान यज्ञ कर सकते हैं, आप जूते पहने हैं ड्राइंग रूम में बैठे हैं तो भी आप ज्ञान यज्ञ कर सकते हैं, आप डीएम साहब के यहाँ दफ्तर में बैठे हैं, चार लोग अपनी समस्याओं को सुझा रहे हैं, उधर से भी कुछ विचार आ रहा है, वो भी ज्ञान यज्ञ है। और ये ज्ञान यज्ञ आपके मोहल्ले की समस्या से लेकर विश्व तक की समस्याओं के लिए हो सकता है, होना चाहिए। एक बात ये है, मैं जब बदलाव की बात कर रहा हूं कि ये बदलाव का पर्व है, तो उसके कुछ मायने समझने चाहिए, सही क्या है गलत क्या है। वास्तव में तो एक दिन मैं ऐसे ही कि अगर हम इस धरती पर पैदा हुए हैं तो पैदा होने का कोई तो एक उद्देश्य होगा, उस उद्देश्य को शाम को सोचना शुरू किया और रात भर सोचते सोचते सुबह एक निष्कर्ष पर पहुंचा, और वो सिर्फ इतना था कि इस समाज के अंदर केवल दो चीजें हैं, एक सही है एक गलत है, एक असत्य है एक सत्य है, एक न्याय है एक अन्याय है, एक धर्म है एक अधर्म है, और इस विवेक से ही हम उसके बीच का अंतर कर सकते हैं, और अंतर करने के बाद हमें सही के पक्ष का महायोद्धा बनकर खड़े होना चाहिए, यही धर्म की लड़ाई है। जब इंसान वजूद में आया सबसे पहले तो वो जानवरों की बाकी तरह की असुरक्षा रही होगी, और वो गुफा में या हमारे यहाँ तो परंपरा थी कि कुछ घर धरती नीचे खोद दी, थोड़ा सा ऊपर बना दिया और एक घर में रहना शुरू किया, ऐसा करके खो में रहना शुरू किया लोगों ने। परिवार के अंदर ये बायोलॉजिकल लव होता है, मैं अगर माँ है तो ऐसा नहीं है कि पहले की माँ जो है उसमें वात्सल्य कम होता था और आज की माँ में कम होता है। गाय भी जब पैदा करती है अपने बछड़े को, बंदरिया भी पैदा करती है अपने बच्चे को, छाती से मरे हुए को भी चिपका कर रखती है, तो ये प्यार जो है ये पहले ही पैदा हुआ था, ये बायोलॉजिकल है, और इसलिए माँ बाप इनके बीच में भी ये प्रेम जो है स्नेह ये जो है जैविक था, और ये जैविक प्रेम जो है अपने बच्चों को बचाकर रखना और उनकी सुरक्षा करने के लिए छोटी सी मां ने गुफा में कहीं छिपकर रहना, दिन सूर्यास्त होते ही तुरंत एकदम से अपने घर आना, ये सब उनका वो एक चलन था। इस असुरक्षा को खत्म करने के लिए यानी क्या हुआ, सबसे पहले कि जीव जैसे ही जन्म लेता है तो वो अपनी सत्ता के साथ जन्म लिया उसने, और जैसे जैसे बड़ा हुआ अपने परिवार में अपनी उस सत्ता को समर्पित कर दिया। यानी सत्ता को पहला अधिकार किसका है, व्यक्ति का। व्यक्ति ने अपनी सत्ता का समर्पण किया परिवार में, और परिवार जो एक लोकलिटी में थे उन्होंने उस अपनी सुरक्षा के लिए और उस वहां पर न्याय की प्रतिस्थापना हो, किसी के साथ अन्याय ना हो, उसके लिए उन्होंने अपनी सत्ता का समर्पण ग्राम में किया, और इसलिए सामाजिक सत्ता के रूप में सबसे पहले ग्राम सत्ता वजूद में आई। लेकिन पहली बार हजारों साल पहले, मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट हूं, वैसे भी प्राचीन भारत का, वहां एविडेंस कम मिलते हैं, हमें एज्यूम ज्यादा करना पड़ता है, और इसलिए ऐसा हुआ कि पहली बार किसी व्यक्ति के
दिमाग में ये सनक पैदा हुई कि क्यों ना मैं 25-50 गांवों के ऊपर अपने मेरे पास मसल पावर है, मैं अपना घोड़ा गाड़ी लेकर तलवार बर्छी लेकर के इन पर अपना शासन करना शुरू कर दूं। और किसी एक आदमी ने कई बार ऐसा किया और उसने अपनी एक रियासत बना करके वो उसका सरदार बन गया। इस ये पहला वाकया था जब ग्राम की प्राकृतिक सत्ता का हरण हुआ और वो सरदार सब जगह ये मेंटेलिटी पैदा हुई। इसके बाद इनके ऊपर इस जो अलग अलग सरदार थे, एक सरदार जो है वो कुछ बाहुबली टाइप था, उसने ऐसी 25-50 रियासतों को कुचल करके वो वहां का राजा बन गया। ऐसे 5 साल बड़े बड़े राज्यों को कुचल करके कोई आदमी चक्रवर्ती बन गया और उसने अपना साम्राज्य स्थापित किया। मैं पूरे डार्क एरा को छोड़ते हुए आगे बढ़ता हूं और 1947 से पहले इस दुनिया के अंदर अंतिम चक्रवर्ती के रूप में अंग्रेज शासन कर रहे थे। कहते हैं कि उनके राज्य में कभी सूरज नहीं चलता था।